वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर हम सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चला रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लेकर चल रहे हैं। अभी हम ज्योग्राफी का खनिज संसाधन टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें हमने कुछ खनिजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने चूना पत्थर के बारे में देखा था, मैग्नीज देखा था, संगमरमर अभ्रक के बारे में पढ़ा, सोना टिन, इन सारे खनिजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमें जो खनिज पढ़ना है, लास्ट वीडियो में हमने संगमरमर और मैग्नीज तक देखा था, चूना पत्थर से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चूना पत्थर के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे के खनिजों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़कर सभी काल के अवसादी शैलों में पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है चूना पत्थर किस प्रकार की शैलों में मिलता है, तो अवसादी शैलों में मिलता है, याद रखें। ये मुख्य रूप से कुड़प्पा और विंध्यन शैल समूह में पाए जाते हैं। चूना पत्थर के खनन केंद्र भारत में कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे राज्यों के हिसाब से। जैसे सबसे पहले तमिलनाडु का दिया गया है। तमिलनाडु में कहाँ कहाँ से चूना पत्थर का खनन होता है, कोयम्बटूर से, मदुरई से, सैलम से, रामनाथपुरम से, तिरुनलवेली से, तिरुचिरापल्ली से और तंजावुर से। चूना पत्थर जो है ये सीमेंट उद्योग का एक आधार उद्योग होता है, एक सीमेंट का आधार होता है। तो चूना पत्थर में जो सीमेंट उद्योग होता है वो इसी पर डिपेंड होता है, तो काफ़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से खनन होता है, जबलपुर से, रीवा, सतना, सागर, बैतूल, दमोह, बालाघाट और कटनी। बालाघाट से प्रश्न आ चुका है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से प्रश्न आ चुका है। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, ये खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से धनी प्रदेश कहलाते हैं। बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, यहाँ पर अच्छे खासे खनिज पाए जाते हैं। रायगढ़, रायपुर, इन सभी जगह पर चूना पत्थर का खनन होता है। और भी खनिज यहाँ पर लौह अयस्क वगैरह भी मिलता है। गुजरात, गुजरात में खेड़ा, सूरत, अमरेली, जूनागढ़, बनासकांठा, पंचमहल और साबरकांठा, ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ से चूना पत्थर का खनन होता है। गुजरात के पढ़ लिए हमने। इसके बाद है तेलंगाना की नलगोंडा और खम्मन, याद रखें। आंध्र प्रदेश की कुड़प्पा, गुंटूर, कुर्नूल, कृष्णा और विशाखापट्टनम। इसके बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर, यवतमाल, चंद्रपुर और नांदेड़, याद रखें। कर्नाटक में चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तर कन्नड़, तुमकूर, बेलगाम, बीजापुर, शिमोगा और गुलबर्गा, ये याद रखें। इसके बाद राजस्थान में कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ से चूना पत्थर का खनन होता है। बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, नागौर, पाली, अजमेर, अलवर, जोधपुर, सिरोही, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, झुंझुनू और उदयपुर है। इसके बाद अन्य, दार्जिलिंग, जम्मू, अंबाला, महेंद्रगढ़, मिर्जापुर, ये यूपी में हो जाएगा, देहरादून, मसूरी उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है, जम्मू तो जम्मू कश्मीर में है। तो ये और अन्य क्षेत्र हो गए जहाँ से थोड़ा बहुत खनन होता है, खनन केंद्र है। इसके बाद भारत में डोलोमाइट के खनन केंद्र, इसको एक बार देख लीजिए। उड़ीसा में गंगापुर, कोरापुट, संभलपुर और सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कुर्नूल और खम्मन। झारखंड के चाईबासा, पलामू और सिंघूमी। इसके बाद राजस्थान के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ से डोलोमाइट का खनन होता है। कर्नाटक के बेलगांव, बीजापुर, चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तर कन्नड़ और तुमकुर। अन्य क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश से होता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, ये डोलोमाइट के खनन केंद्र हो गए। इसके बाद सीसा के बारे में देखिए। सीसा प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता। सीसा मुख्यतः गैलेना नामक अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सीसे का अयस्क, गैलेना किसका अयस्क है, सीसे का है, या फिर निम्नलिखित में से सीसे का अयस्क कौन सा है, इन्हीं प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखें गैलेना सीसा। आप जो सिनॉप्सिस बना रहे हैं, जो अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें सीसा के सामने गैलेना लिख लें, इतना बस याद रहेगा। जैसे एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीसा के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, यही इसका उत्पादन करता है। सीसा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान, जावर, उदयपुर, रामपुरा, अगूचा, भीलवाड़ा, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, रायपुर, बस्तर और दांतीवाड़ा, यहीं से सीसा निकाला जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को क्रिस्टलीय कार्बन और ब्लैक लेड भी कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट।
ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तमिलनाडु का मदुरई, झारखंड का लातेहा पलामू, उड़ीसा का कालाहांडी, बालगीर, गंजाम, कोटापुर, राजस्थान के जयपुर, अजमेर और अलवर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश के बैतूल से ग्रेफाइट निकलता है। जिप्सम, जिप्सम के बारे में जानते हैं। जिप्सम उद्योग जो है ये इसके प्रमुख क्षेत्र उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान के नागौर से उत्पादन होता है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, कांगड़ा और शिमला, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, कर्नाटक के बेलगांव, गुलबर्गा। आप देख रहे होंगे कई सारे जो खनिज हैं किसी भी राज्य के स्पेसिफिक, मतलब ये क्षेत्र है बेलगांव, गुलबर्गा, कई जगह आपने देखा होगा कई सारे खनिज क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेफाइट भी मिल जाएगा, ठीक है। और भी आपने खनिज देखे, जैसे यहाँ पर अभी हमने इसके पहले डोलोमाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो देखो बेलगांव में है और दुर्ग में, तो ये सारी चीज़ें जो है, कई सारे जो स्थान हैं वो आपको अलग अलग खनिजों में कॉमन मिलेंगे। तो इसको आप चाहे तो अलग से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन या फिर आप देख लें कि कौन कौन सी कॉमन सी जगह है जहाँ पर हर प्रकार का खनिज पाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद देखिए जिप्सम के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिप्सम के बारे में राजस्थान के देख लिए, हिमाचल के सिरमौर, कांगड़ा और शिमला देख लिया, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिप्सम निकाला जाता है, कर्नाटक के बेलगांव और गुलबर्गा से निकलता है, उत्तर प्रदेश की झांसी और हमीरपुर से, यूपी का तो याद रखिएगा ही, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली से और जम्मू के उरी और बारामूला और डोडा से, ये जम्मू कश्मीर के हो गए जहाँ से जिप्सम का उत्पादन होता है। इसके बाद भारत के प्रमुख थोरियम क्षेत्र, केरल के कोल्लम, तमिलनाडु की कन्याकुमारी, मदुरई, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उड़ीसा तट के मोनाजाइट, बालू में और झारखंड के हजारीबाग, पश्चिम बंगाल में। भारत के यूरेनियम क्षेत्र, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यूरेनियम, थोरियम से प्रश्न बनडे एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये तमिलनाडु केरल वगैरह से प्रश्न बना था, लेकिन यूरेनियम से प्रश्न स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, जैसे झारखंड की सिंहभूमि, मेघालय, मेघालय की डोमिया सियात, राजस्थान के रोहिल, घटेश्वर, उदयपुर, अलवर और झुंझुनू, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर, कुडप्पा और नेल्लूर, तेलंगाना के लंबापुर, कर्नाटक के गुलबर्गा, देखो फिर से गुलबर्गा आया और गुलबर्गा के साथ गोगी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये पाया जाता है यूरेनियम, उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, महाराष्ट्र के मोगरा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, ठीक है, यहाँ से यूरेनियम के ये क्षेत्र हैं। भारत में प्रमुख लिथियम के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मांड्या कर्नाटक हो गया, मुंगेर बिहार हो गया, हजारीबाग झारखंड का और राजस्थान का भीलवाड़ा हो गया, इसके अलावा बस्तर छत्तीसगढ़, ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद है बेरिलियम का क्षेत्र, बेरिलियम के क्षेत्र झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूरेनियम से प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। इसके बाद कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले को अच्छे से आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें, एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। कोयला एक महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन, लौह अयस्क के प्रगलन में होता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैलों के क्रमों में पाया जाता है। इसके नाम कौन से हैं? गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप में मिलता है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का है और गैर कोककारी श्रेणी का है, ये एग्जाम में पूछा है, सबसे ज़्यादा बिटुमिनस मिलता है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं, कहाँ से मिलता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्र हैं जहाँ से गोंडवाना कोयले का की प्राप्ति होती है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में है, ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इस प्रदेश के जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, इनको याद रखना है। अब ये क्षेत्र से प्रश्न बना है, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करनपुरा। कोयले में और लौह अयस्क में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इनको चाहे तो आप पैरेलल लिख सकते हैं, साथ ही साथ में एक साथ ही टेबल बना लें एक पेज पर और इनको याद कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न कोयला और लौह अयस्क से पूछा जाता है, खनिजों से बनता ही बनता एग्जाम में, तो इनकी जो खाने हैं, खनन क्षेत्र हैं या फिर जहाँ से उत्पादन होता है उनको साथ में लिख लें और उसको फिर देखें, तो आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा और डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको देखा कि ये जो दामोदर घाटी क्षेत्र है प्रमुख कोयला क्षेत्र है और ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में अवस्थित है। इस प्रदेश के कोयला क्षेत्र याद रखें, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करनपुरा, झारखंड। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जिसके बाद रानीगंज आता है, सबसे ज़्यादा झरिया से निकलता है, फिर रानीगंज से। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ कौन सी हैं? गोदावरी, महानदी और सोन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश की सिंगरौली, यहाँ से एक काफ़ी मोटी पट्टी का कोयला निकाला जाता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है, इसलिए आप देखते हैं कि सिंगरौली उत्तर प्रदेश में कोयला खनन क्षेत्र हमने पढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कोरवा, उत्तर उड़ीसा में तलचर, रामपुर में तलचर और रामपुर दोनों उड़ीसा के हैं, इनको स्टेट वाइज, ठीक है, राज्य के हिसाब से लिखना है। टेबल को बनाइए, नोट्स को बनाइए, इसमें लिखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सामने लिखिए कोरवा कोयला का क्षेत्र है,
उड़ीसा में तलचर और रामपुर इसके क्षेत्र है। महाराष्ट्र के चंदा और वर्धा में कोयला पाया जाता है। कामपटी में और बांदेर में मिलता है कोयला। तेलंगाना के सिंगरेनी में मिलता है कोयला और आंध्र प्रदेश के पांडूर से कोयला निकाला जाता है। टर्शरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। यह दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग और लेग्निन मेघालय में मिलता है। असम के माकुम, नजीरा, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश और कालाकोट जम्मू कश्मीर से निष्कर्षित किया जाता है। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला होती है। कोयले का प्रयोग मुख्य रूप से ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ये रेलवे वगैरह में पूछा गया था। जो विभिन्न माध्यमों से अवसादी सैलो, ये प्रश्न स्टेट बीसीएस ने पूछा है, अवसादी सैलो में एकत्र कर दिया जाता है। तो कोयले की प्राप्ति किससे होती है, अवसादी सैलो से भी आप ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। भारत में कोयले का कुल उत्पादन 9.3% हिस्सा कोकिंग कोयले का है, शेष 90.7% हिस्सा नॉन कोकिंग कोयले का है। कोकिंग कोयले का सर्वाधिक उपयोग इस्पात के उत्पादन में होता है। भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक भाग करीब 80% विद्युत क्षेत्र में उपयोग किया जाता है और भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना सेल समूह में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोयले के बारे में जाना, और भी कुछ अलग खनिज पढ़े हमने, ग्रेफाइट, सीसा, थोरियम, सारे खनिजों के बारे में हमने देखा। इसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और भी कुछ अन्य अयस्कों खनिजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारे पेड बैचेस यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आरयूआरयू री एग्जाम के लिए और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारे नए बैच अभी लेटेस्ट वाले अभी स्टार्ट किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, जिनमें आपको डेली क्लासेस भी मिल रही हैं। इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से डाउट क्लियरेंस भी मिल रहा है, साथ ही आपको हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल मिल रहा है, प्रैक्टिस क्विज मिल रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज भी सी में मिल रही है, और सारी चीज़ें भाई बायलिंगुअल अवेलेबल है, तो आप किसी भी माध्यम के इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो हमारे एजुकेटर हैं वो सिलेक्टेड एजुकेटर हैं ऑलरेडी, वो आपको गाइड करने के लिए रहेंगे, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पर 20% एप्लीकेशन पर 20% का ऑफ भी मिल रहा है, तो तुरंत जाकर आप इसको ले सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सस रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।